स्कूलों में ग्रांट आई है, किस प्रकार की ग्रांट है और खास तौर पर कहाँ कहाँ ये लगनी है? जी देखिए, जो हमारे पास सीनियर सेकेंडरी, हाई, मिडल और प्राइमरी, जिन स्कूलों में जो बेसिक फैसिलिटी है कि टॉयलेट्स है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, उन सभी स्कूल्स का हमारा क्लस्टर हेड ने और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से सर्वे करवाया था एज पर डिपार्टमेंट डायरेक्शन। उसके अकॉर्डिंग जिन भी स्कूल्स के अंदर टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की कोई भी प्रॉब्लम थी, उस सभी को दूर करने के लिए 121 स्कूल हमारे आइडेंटिफाई हुए। इन सभी स्कूलों में टॉयलेट के लिए और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए 2,08,00,000 रुपए की राशि का जो बजट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आया है, वो हमने सभी स्कूल के अंदर अलॉट कर दिया है। कुल 121 स्कूलों में ये राशि जारी की गई है। इसके अलावा जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर भी हमारे पास 54,00,000 रुपए की राशि जो है वो एलिमेंट्री जो हमारे एजुकेशन ऑफिसर सोनीपत, उन्होंने उस राशि को भी जारी कर दिया है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विद्यालय हम के अंदर सभी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को वो पूरी उपलब्ध करवाई जा सके। सर, ये कब तक के इनका काम शुरू हो जाएगा? ये हमारा प्रयास है कि ये काम अभी 2 या 3 दिन के अंदर स्कूल में स्टार्ट हो जाएगा और हर अवस्था में इस कार्य को 31 जुलाई तक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मन तो एक दिन प्रयोग कर रहा था। करोटी एक मिनट बेटा, चलो 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 बाहर चलो। बट बेटा 2 मिनट बाद चले जाना, मेरे को जाने दो एक बार। हम लड़कियां यहां यहां इकट्ठी हो गए, एक लड़की अंदर जा, फिर हम बाकी की बाहर रहते हैं। लेकिन कभी ये तो चाय वाला लड़की या प्रिंसिपल की टेबल भी कुछ भी नहीं आना, पानी की स्वीट लड़की है, भारी बजान ला।